बेअदबी ते बैबल कलां गोलीकांड दे दोषियों की गिरफ्तारी नूं लैके एक बार फिर तो बरगाड़ी मोर्चा लग सकता है। इशारा सरबत खालसा वालों चुने गए जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड वालों किया गया है। भाई मंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया सरकार नूं 2 महीनों का अल्टीमेटम दिता है। भाई मंड ने चेतावनी दी है कि जेकर 2 महीनों के अंदर अंदर दोषियों खिलाफ़ कार्रवाई ना हुई तो वह मुड़ तो बरगाड़ी मोर्चा लगा देंगे। बेअदबी मामले नूं लैके भाई ध्यान सिंह मंड ने पिछली बादल ते मौजूदा कैप्टन सरकार ते भी खूब निशाने साधे ने। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी बहुत थावां ते, सिंह शहीद होए सी, लाठीचार्ज होया सी, बहुत ज़्यादा संगतां दे उत्ते तशद्दुद होया सी, बहुत सारे सिंह जख्मी होए सी। 1 जून 2018 नूं बरगाड़ी मोर्चा लग्या और बहुत सारिया जड़िया मंगा वो प्रेशर दे नाल सरकार नू मननिया पईया। 9 दसंबर नू ये मोर्चा चुकिया जांदा है। पंजाब दी सरकार दे 2 वजीर और 3 MLA उत्थे आए। उत्थे आके उन्होंने जो संगत नू विश्वास दवाया कि असी पूरियां मंगां जिहड़ियां उन्हां नूं मन्नण दे लई असी तैयार हाँ, ते 1.5 साल पूरा उस मोर्चे नूं चुके नूं हो गया ते उन्होंने इस गल नूं नहीं पूरा कीता, ये गल साबित हो गई। सो अज दा साडा मकसद यह आ कि जिहड़ियां 2 सीटां एक विधानसभा च बनी, एक पहला बनी बादल दी सरकार दे विच, उस सैट नूं खट्टड़ा साहब की जिहड़ी रणबीर सिंह खट्टड़ा की अगवाई दे विच उन्हूं फिर मानता दित्ती गई और ये जिहड़ियां 2 सीटां बनी है। मैं अज बड़े विश्वास नाल ये गल कहिंदा है, ये मेरी आवाज़ नहीं, ये आवाज़ हैगी है लोगों की। उन्हां 2 सीटां ने बहुत वधिया काम कीता है और असीं उन्हां दी शलांघा करदे हां। वह हुण भी जो काम कर रहे ने सानू उन्हां दे उत्ते विश्वास है, पर गल ये है कि अजे ये गल पूरी नहीं हुई, अजे बहुत कुछ बाकी है। जो कुछ असी कहा सी वो बहुत कुछ बाकी है, वो पूरा करन दे लई जिहड़ी पंजाब दी सरकार कांग्रेस दी सरकार, क्योंकि कांग्रेस दा ना लैना भी अज असी समझते हैं कि गलत आ, क्योंकि सिद्धियां फौजां दरबार साहब दे उत्ते कांग्रेस ने चढ़ाईआं, पर फिर भी कैप्टन ने जदों अमरिंदर सिंह ने गुटका फड़ के जां बरगाड़ी आ के ये गल कही कि इहदियां जिहड़ियां पैड़ां ने ये बादल परिवार वाल बादल घर वाल जांदियां ते मुड़ के उह सौं गया, वह जिहड़ी कुंभकरण दी नींद आ उहदे अंदरों भी बहुत विरोध हो रहा है, पर कुंभकरण दी जिहड़ी नींद आ अज असीं उहनूं तोड़ना चाहवांगे। मैं बड़े स्पष्ट शब्दां दे विच, क्योंकि मैनू सारे सिख कौम ने श्री अकाल तख्त साहब का कार्यकारी जथेदार बनाया तो मेरा बहुत वड्डा फर्ज बनता है। 1 जून नूं मैं कहा सी कि सानू इनसाफ दिओ, नहीं तो असी अज मोर्चा ला के बैठे हाँ। अज भी मैं कह रहा कि जे बादल दे असी महल दे मनारे बनेरे ढा सकते हैं, बादल नूं असी खिलार सकते हैं, बादल नूं सिख कौम दीआं नज़रां दे विच दोषी पेश कर सकते हाँ, तो खालसा पंथ दे विच बड़ी वड्डी जुरत आ, बड़ी वड्डी ताकत आ, ते बाद साढ़े तो अमरिंदर सिंह ते उहदी सरकार भी नहीं सकदी, असीं इह भी महल दीआं जिहड़ीआं नीआं वो बिल्कुल हिला देंगे। सो इस करके ये काम जिहड़ा धीमी गति नाल चलदा है इहनूं तेज़ कीता जावे, इहनूं पूरा कीता जावे। सानूं जिहड़े मुख दोषी ने, जिहड़ी लोकां दी डिमांड आ, भावें उह प्रकाश सिंह बादल दा परिवार हो, सुखबीर सिंह बादल है, वह प्रकाश सिंह बादल खुद है, जां सौदा साध है, जां कोई होर है, जिहड़े समेत सिंह सैनी जिहड़े दोषी ने, जिन्हां दे उत्ते लोकां दीआं नज़रां ने कि दोषियां वल तां सरकार वध नहीं रही, निक्कियां मोटियां गल्लां कर रही है, ये फड़ने जिहड़े बहुत जरूरी ने, ये सरकार नूं फड़ने पैणगे। तो मैं अज चैलेंज करदा है, मैं अज वार्निंग दिंदा है पंजाब दी सरकार नूं, एजेंसियां नूं भी मैं वार्निंग दिंदा और इंडिया दी जिहड़ी सरकार आ, क्योंकि जदों बरगाड़ी मोर्चा लगा सी उदों
फौज के जनरल तक जिहड़े उन्हां दे बयान आए सी। मैं सारिआं नूं कहिंदा है कि भाई मैं तां घरों सोच के यह आया सी बई एक महीने का टाइम इन्हां नूं दिता जावे, पर हुण मैं कह रिहा कि असी 2 महीने का टाइम दिंदे आ। अज हैगी है 6 तरीक और 6 जुलाई अगस्त सितंबर 6 सितंबर नूं अगर सरकार ये सारा कुछ नहीं करती 6 सितंबर नूं दमदमा साहब के पवित्र तख्त के उत्ते अरदास करके पूरी सिख संगत नूं नाल लेके पूरियां सिख जथेबंदियां नूं नाल लेके पूरा सलाह मशवरा करके असी जिहड़ी अगली लड़ाई है अगला जिहड़ा प्रोग्राम आ वो दवांगे और सरकार तैयार रहे की करांगे किवें किवें करांगे ये भविख दे गर्भ दे विच है। सो असी अज ये कहने वास्ते आए हैं कि सरकार ने जो किया ये बहुत ज़्यादा साढ़े नाल सिख कौम के नाल धोखा है। सारे असी जिन्हां ने काम किया जिन्हां ने असी ये लड़ाई लड़ी है असी एक दूजे दीयां नज़रां दे विच शक्की हो रहे हैं, नहीं सारे ठीक ने सारे वधिया सारे चढ़दी कला विच है, सारे ने बहुत ज़्यादा काम किया दिलों किया सारे साढ़े नाल आ। सिख पंथ सिख कौम मेरा एक परिवार है, मैं अपने परिवार की गल करनी है तो सरकार जो किया उहदे उत्ते आ जाए नहीं तो फिर खालसा पंथ जिहड़ा वो ले आऊगा। फरीदकोट तो जगतार दसां इस दी रिपोर्ट जगबाणी टीवी।